नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो सूर्योदय हो चुका है और आज मैं भी अचानक ऋषिकेश, बल्कि ऋषिकेश से थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूं और ये अचानक ही जाना हुआ। और आज मैंने ये रूट, दूसरा रूट चुना है और ये रूट है घनसाली और पिपरडाली और नरेंद्र नगर होते हुए जाऊंगा मैं। और मैं जखोली से काफ़ी पहले निकल गया था तो अब तो काफ़ी अच्छा व्यू है इस रास्ते का। और जो मेन हाईवे है श्रीनगर वाला, तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है लेकिन यहाँ पे काफ़ी सुनसान और यात्रा के समय यहाँ गाड़ियाँ ठीक ठाक ही चलती हैं, लेकिन आजकल यात्रा फिर से काफ़ी कम हो गई है तो बिल्कुल खाली खाली ही रोड है ये। और जो यमुनोत्री गंगोत्री से केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ आते हैं तो वही लोग इस रूट पर आते हैं यात्री, लेकिन आजकल काफ़ी कम गाड़ियाँ अभी मुझे मिल रही हैं तो उतनी भीड़ अभी है नहीं यहाँ। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का रास्ते का। तो ये फतेड़ू मार्केट है और बुढ़ना और बुढ़ना के आसपास जो भी गांव हैं तो उनका ये छोटा मार्केट है। तो यहाँ पे यूनियन बैंक भी है और सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो ये छोटा मार्केट है यहाँ से। तो ये जहाँ पे चिरबट्टिया से थोड़ा पहले है, तो यहाँ से गंगोत्री 220 किलोमीटर, उत्तरकाशी 124 किलोमीटर और घनसाली यहाँ से 29 किलोमीटर है। तो ये आ गया है चिरबट्टिया। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का भी, लेकिन थोड़ा सुविधाओं का यहाँ अभाव है, लेकिन यात्री जो भी इस रूट पर आते हैं तो यहाँ पे जरूर रुकते हैं। तो लगभग घनसाली पहुंचने वाला हूं और जखोली से मैं लगभग 6:30 बजे चला था तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 के आसपास, तो लगभग 1.5 घंटा मुझे लगा और अब 1-2 किलोमीटर पीछे हूं मैं। तो घनसाली बाजार यहां से शुरू हो चुका है और ठीक ठाक मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है ये। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ आया तो नहीं हूँ, लेकिन 3-4 बार जब भी मैं आया तो यहाँ काफ़ी सामान मिल जाता है और आसपास जो भी गांव हैं तो उनका ये मेन मार्केट है। तो घनसाली मार्केट की चहल पहल कुछ इस तरह से। और आजकल गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और जिससे जो सड़क है उस पर जाम लग ही जाता है। तो ये है घनसाली का मार्केट और मैं यहाँ ऊपर की तरफ आया हूँ, ये जो ऋषिकेश वाली रोड है यहाँ, और नीचे की तरफ ये सामने ये गंगोत्री यमुनोत्री के लिए और बूढ़ा केदार के लिए जाते हैं। तो टिहरी झील का पानी यहाँ भी भरा हुआ है और यहाँ से चंबा 65 किलोमीटर, नई टिहरी 54 किलोमीटर और पिपरडाली 14 किलोमीटर है। यहाँ से श्रीनगर के लिए भी जाया जाता है और यहाँ से श्रीनगर 42 किलोमीटर है। तो यहाँ से इधर मुड़ने के बाद ये श्रीनगर का रास्ता है और मुझे तो इधर जाना है टिहरी की तरफ, तो मैं तो इधर चला जाऊँगा। तो गडोलिया है ये और यहाँ से श्रीनगर 42 किलोमीटर है। तो ये मलेथा जो श्रीनगर से पहले है तो वहाँ पर मिलता है ये रास्ता। तो अब पिपरडाली यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो ये जगह है टिपरी और ये चंद्रबदनी वाला और हिंडोला खाल वाला रास्ता ऊपर वाला, और देवप्रयाग भी यहाँ से जाया जाता है। तो हम नीचे की तरफ और फिर जो टिहरी डैम है उसको पार करके फिर आगे की तरफ जाना है।
जो टीरी बांध है तो उसके ऊपर से पलीपार जाना है, और यहाँ से फिर थोड़ा नज़दीक हो जाना है। नरेंद्रगढ़ तो पूरा का पूरा क्षेत्र ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, और यहाँ पे अनुमति के साथ ही जा सकते हैं। तो सुरक्षा कारणों से यहाँ पे काफी सुरक्षा दी गई है। तो अभी ठीक टीरी बांध के ऊपर से यहाँ से नई टीरी के लिए भी जा सकते हैं, और 17 किलोमीटर है यहाँ से केवल। तो काफी अच्छा व्यू है यहाँ का भी, और काफी राज्यों के लिए यहाँ से जो बिजली उत्पन्न होती है तो वो सप्लाई की जाती है। तो चंबा बाजार शुरू हो चुका है, और लगभग 3 घंटे के बाद मैं जखोली से यहाँ पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छी रोड है। आजकल बरसात के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है, और उस समय भीड़ भी रहती है, तो आजकल खाली खाली है ये रोड। और ऋषिकेश की तरफ आगे के लिए जाना होगा मुझे। तो गाड़ी चला के काफ़ी थकान भी लगी गई है, थोड़ा सा चाय पी के ही यहाँ से जाऊंगा, और आज चंबा बाजार की चाय पियेंगे। तो अभी मुझे भी ज़्यादा जानकारी यहाँ की नहीं है, लेकिन पूछ लेता हूँ मैं किसी को। यार ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश के लिए। अच्छा, तो यहाँ से 2-3 रूट हैं, तो ऋषिकेश के लिए सीधे आगे। तो ये चंबा का बाजार है, और काफ़ी बड़ा भी और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हाइट पे है ये। तो ये नरेंद्र नगर, और यहाँ नीचे की तरफ, तो ये सामने नरेंद्र नगर है, और ये आसपास का व्यू। और नगर से थोड़ा पहले ये रानी पोखरी के लिए रोड जाती है, और ये नया ही रास्ता है लेकिन काफ़ी शॉर्ट है। ऋषिकेश यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से रानी पोखरी भी 20 किलोमीटर, लगभग 10-15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाता है ये। तो काफ़ी अच्छा रूट है ये, और जल्दी यहाँ से रानी पोखरी या देहरादून जाने वाले पहुँच सकते हैं। तो लगभग जो ऋषिकेश और देहरादून वाली मेन रोड है तो वहाँ पहुँचने वाला बस थोड़ा ही रह गया है, और काफ़ी शॉर्ट पड़ा मुझे, लगभग 10-15 किलोमीटर शॉर्ट है ये। तो ये आ गए यहाँ से मेन रोड। तो ये रानी पोखरी आने वाला है, और आज का सफ़र थोड़ा सा अलग रहा क्योंकि मैंने रास्ता चेंज किया, और बड़ी आसानी से मैं यहाँ लगभग 5 घंटे में पहुँच गया, और कहीं पे जाम नहीं था, और बिल्कुल जो एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच होते हुए, पहाड़ों के बीचों बीच होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और आज मैं जॉली ग्रांड तक ही जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए, और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तो धन्यवाद बहुत बहुत।